Hi guys, welcome back to my English channel, The Roots English. चलिए आज मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल वीडियो बताने वाला हूँ जिसमें मैं HC Hardwick यानी जनरल कंपटीशन के विद्यार्थियों के लिए जो HC Hardwick के वर्ड्स आते हैं उसको रटना पड़ता है, जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं उन सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए मैंने माधुरी दीक्षित के जीवन पर, या डेफिनेटली आपने सही सुना, माधुरी दीक्षित के जीवन पर आधारित मैंने एक ऐसा स्टोरी, रोमांटिक कहानी लिखा है जिस पर आप आराम से HC Hardwick के वर्ड याद कर सकते हैं। तो चलिए वर्ड को सीखना हम शुरू करते हैं। जैसे कि जितने भी वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं नंबरिंग करके टोटल वर्ड के नीचे मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया है और टोटल वर्ड्स के ऊपर मैंने नंबर दिया है कितना नंबर वर्ड है, और इन्हीं सभी नंबर दिए गए वर्ड्स का मैं तरीका आपको बता रहा हूँ कि कैसे इस वर्ड को पढ़ा जाएगा। इन्हीं सभी नंबर दिए गए वर्ड्स का जो हिंदी है एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, ऐसे करके नीचे दिया गया है, ठीक है। इसी तरीके से हमको पढ़ना है। देखिए हम आपको तरीका सिखा रहे हैं कैसे आखिर इस वर्ड को पढ़ना है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप HC Hardwick के 20 वर्ड आराम से सीखना चाहते हैं, रटना नहीं चाहते हैं। देखिएगा माधुरी दीक्षित का, माधुरी दीक्षित का इक्वेबल, ध्यान दीजिएगा, यानी इक्वेबल का मतलब होता है शांत। माधुरी दीक्षित का इक्वेबल यानी माधुरी दीक्षित का शांत एवं फ्लोरिड, और फ्लोरिड का मतलब होता है गुलाबी। माधुरी दीक्षित का इक्वेबल यानी माधुरी दीक्षित का शांत एवं फ्लोरिड यानी गुलाबी चेहरा को आकर्षक बनाने के लिए किसी तरह के अकाउंटमेंट्स यानी होता है अलंकार। क्या होता है जी? अलंकार की आवश्यकता नहीं होती, की आवश्यकता नहीं होती। कहा जाए इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि क्लेरियन एवं ट्रिशुलेंट, क्लेरियन एवं ट्रिशुलेंट व्यक्ति का क्या पूछना। अब ध्यान देंगे वर्ड नंबर चार है क्लेरियन। क्लेरियन का मतलब होता है कुलाहपूर्ण, कुलाहलपूर्ण। एवं ट्रिशुलेंट का मतलब होता है झगड़ालू, यानी क्लेरियन यानी कोलाहलपूर्ण एवं ट्रिसुलेंट यानी झगड़ालू व्यक्ति का क्या पूछना। उनके प्रभाव से तो डेसिडियस, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, डेसिडियस वृक्ष भी शांत एवं सक्रिय हो जाती है। उनके प्रभाव से तो डेसिडियस, डेसिडियस का मतलब होता है पतझड़ी, सूखी हुई वृक्ष भी शांत एवं क्या हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। चलिए उनके अभिनय हमें क्लैंडेस्टाइन, उनकी अभिनय हमें क्लैंडेस्टाइन यानी ध्यान दीजिएगा क्लैंडेस्टाइन का मतलब होता है गुप्त रूप से, क्लैंडेस्टाइन रूप से यानी गुप्त रूप से अबेट है, अबेट का मतलब होता है उकसाता है, तथा हम लोगों को उनके प्यार में, तथा हम लोगों को उनके प्यार में इम्प्लिसिट हो जाते हैं, तथा हम लोग उनके प्यार में इम्प्लिसिट हो जाते हैं। नौ नंबर वर्ड है इम्प्लिसिट का मतलब होता है अंधा हो जाते हैं। उनके प्यार में हम क्या हो जाते हैं? अंधा हो जाते हैं। सब युवक अपने अपने पूर्व जन्मों के कुकर्मों के, देखिएगा सब युवक अपने पूर्व जन्मों के कुकर्मों के एमनेस्टी के लिए, यानी अपने पूर्व जन्मों के कुकर्मों के राज्य क्षमा के लिए, एमनेस्टी मतलब होता है राज्य क्षमा के लिए दैविक मंत्रों का इनिशिएट, दैविक मंत्रों का इनिशिएट का मतलब होता है उच्चारण करना। दैविक मंत्रों का इनिशिएट शुरू कर देते हैं यानी उच्चारण करना शुरू कर देते हैं, तथा अपने पूर्वजों से एडज्योर हैं, तथा अपने पूर्वजों से अनुरोध करते हैं, तथा अपने पूर्वजों से अनुरोध करना शुरू करते हैं कि वे माधुरी दीक्षित से मिलने में उनका कोलेबरेट शुरू करें, यानी वे माधुरी दीक्षित से मिलने में उनका कोलेबरेट शुरू करें, यानी क्या करें, सहयोग शुरू करें। तेरह नंबर वर्ड कोलेबरेट शुरू करें यानी क्या करें, सहयोग शुरू करें। जब कभी उनका चित्र या कथन कैप्शन बनता है, यानी जब कभी उनका चित्र या कथन शीर्षक बनता है, 14 नंबर वर्ड ध्यान देंगे, शीर्षक बनता है तो उस हायरोग्लिफिक्स यानी चित्रलिपि को सारे युवक ऑब्लिगेटरी रूप से, यानी सारे युवक अनिवार्य रूप से अपने कमरे में लगाते हैं, तथा वे माधुरी दीक्षित से संबंधित इनकोहरेंट एवं
irrelevant, ध्यान देंगे, इन तथा वो माधुरी दीक्षित से संबंधित incoherent एवं irrelevant बातें सुनना पसंद नहीं करते हैं, तथा वो माधुरी दीक्षित से संबंधित incoherent का मतलब क्या होता है, कैसी बातें सुनना पसंद नहीं करते हैं, तो अर्थहीन, incoherent मतलब अर्थहीन, एवं irrelevant का मतलब होता है अप्रासंगिक, अप्रासंगिक बातें सुनना पसंद नहीं करते हैं। वे हमेशा उनके मुखातिर होने के लिए, मुखातिर का मतलब होता है सामने आने के लिए, मुखातिर होने के लिए मैशिनेशन ही नहीं करते रचते, मैशिनेशन ही नहीं रचते यानी षड्यंत्र ही नहीं रचते, बल्कि नेम शिष भुगतने के लिए भी तैयार रहते हैं, बल्कि दंड भुगतने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर कीजिए, ताकि आपके रक्तंत्र नामक संक्रमण जो पढ़ाई में घुस गई है वो निकले। और इस मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को पूरे भारतवर्ष में शेयर कीजिए। ये बैंक पीओ जनरल कॉम्पिटिशन एसएससी के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और परमाउंट कंसेप्ट था। चलिए, इतना देखने के लिए, मेरे वीडियो पर इतना देर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हैव अ नाइस डे।